हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर तंजा कसते हुए कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी तांडव मचा रहे हैं और जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है। कि पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच करेगी, तहकीकात करेगी और जड़ तक पहुंचे कि ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ और जो भी दोषी हैं उन तक पहुंचकर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आखिर में परिवार ही है जो दुखी रह जाता है। और आप जैसे हम जैसे लोग आते हैं, सांत्वना देकर चले जाते हैं, लेकिन अंत में बच्चे और परिवार उनको सारी उम्र के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। राहुल गांधी जी ने यात्रा निकालने के लिए मतलब सरकार ने परमिशन नहीं दी और आज बीजेपी खुद ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है। ट्रैक्टर तो अब नकल में कुछ भी करें, आप देखते हैं कि कितनी बुरी तरह से फेल हो रहे हैं ये लोग। तो राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी तो हरियाणा के लोगों के निमंत्रण पर आए। हमने उन्हें यहाँ पर कांग्रेस जनों ने और आम लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, वो चाहते थे कि राहुल गांधी जी आए, क्योंकि राहुल जी ने हमेशा किसान की और मजदूर की आवाज़ उठाई। राहुल जी आए, उनके लिए बहुत लोगों में, जो आम लोगों में उत्साह था वो सभी ने देखा। सरकार ने लाख कोशिश की कि उनकी एंट्री ना हो हरियाणा में, तरह तरह के रोड़े अटकाए, कहा कि अकेले आए। अब कोई राष्ट्रीय नेता अकेला आ सकता है क्या? पंजाब के लोग ना आए, पंजाब कोई पाकिस्तान है क्या? कोई वीजा चाहिए और वो क्या यहाँ पे आके बस जाएंगे? अपने राष्ट्रीय नेता को इज्जत से वो छोड़ने आ रहे थे और हम उनका स्वागत कर रहे थे। ये तो एक नॉर्मल शिष्टाचार की बात है। सरकार, हरियाणा सरकार इससे हिल क्यों गई, डर क्यों गई? इतना इनके दिल में डर क्यों था? क्योंकि इनमें आत्मविश्वास नहीं है, ये जनता का विश्वास खो बैठे हैं। और राहुल जी के आने पर उसके बाद भी इन्होंने जगह जगह नाके लगा दिए ताकि हमारे लोग, हमारी गाड़ियां बीच में आगे ना आ सके। उसके बावजूद आपने देखा कि कितना उत्साह था। और राहुल जी जो संदेश देकर गए हैं हरियाणा के किसान मजदूर को, आढ़ती को, कि वो उनके साथ खड़े हैं, हमेशा वो गरीब के साथ खड़े होते हैं, जरूरतमंद के साथ खड़े होते हैं। और जो इनकी जन विरोधी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, हरियाणा सरकार की, उनके खिलाफ राहुल जी डटे हुए हैं और हम उनके पीछे, राहुल जी के पीछे इन सब लोगों के लिए खड़े हैं और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके संघर्ष में शामिल रहे। बड़ौदा का उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशी कब तक आ जाएंगे? अब तो समय कम ही है, जल्दी कोशिश करें। राहुल जियों की यात्रा भी बड़ौदा पहले डिसाइड की गई थी, एंड टाइम पे फिर कैंसिल कर दी गई, क्या कारण? नहीं, बड़ौदा तो जाना ही नहीं था उन्होंने, ये होके निकलना किसने कहा? कभी भी नहीं था। इस तरह की कृपया भ्रांतियां ना फैलाएं। बड़ौदा होके कभी भी नहीं जाना था उन्होंने, उनका एक दिन का कार्यक्रम था। दूसरे दिन का हमने उन्हें भेजा था कि वो आ जाए, तो हमने दूसरे दिन का प्रोग्राम हमने कांग्रेस की ओर से भेज दिया था। उनकी स्वीकृति केवल एक दिन की, तो एक दिन का कार्यक्रम करके, और वो असली जगह पर तो वो आए। आपने देखा पंजाब से होते हुए कुरुक्षेत्र आए, जहाँ पर किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, किसानों के साथ उनकी सहानुभूति में वो वहाँ पर आए। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर क्या कहना था? आप देख रहे हैं जहाँ आप खड़े, जो हो रहा है, और दिन प्रतिदिन जिस तरह के हादसे हो रहे हैं जगह जगह पर, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। यहाँ पर ना शासन है ना प्रशासन है, हर रोज आप उसकी नई मिसाल। हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है।